शबे बरात क्या है, क्यों मनाया जाता है शबे बरात? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएं, नेपाल एक ऐसा देश है जहां नहीं तो कभी धर्म में भेदभाव हुआ ना कभी होगा। संयोग कहिए या कुदरत का करिश्मा, आज हिंदू समुदाय का महान पर्व होली और मुस्लिम समुदाय पर्व शबे बरात है। मुस्लिम समुदाय के लिए शबे बरात एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार को मुस्लिम समाज के द्वारा इबादत के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। शबे बरात का अर्थ है सब यानी रात और बारात यानी बरी होना। इस साल होलिका दहन और शबे बरात एक ही दिन पड़ रही है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शबे बरात का त्यौहार सावन महीने की 14वीं तारीख और 15वीं तारीख के मध्य रात को मनाया जाता है। रहमतों की आई है रात, दुआ है आप सदा रहे आबाद, दुआ में रखना हमें भी याद, मुबारक हो आपको शबे बरात। जहां इच्छा त्यहां वायनेट, वायनेट अब सभी कनेक्टेड। शबे बरात का रात इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले अपने पूर्वजों की कब्रों में रोशनी और उनके लिए दुआ मांगी जाती है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस रात को अल्लाह अपने चाहने वालों को हिसाब किताब रखने के लिए आते हैं। इस दिन जो भी सच्चे मन से अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजा खोल देता है। रहमतों की है ये रात, नमाजों का रखना साथ, मनवा लेना रब से हर बात, दुआओं में रखना याद, मुबारक हो आपको शबे बरात। दर्शक वृंद, इस मौके पर लोग रात भर अपने घरों और मस्जिदों में नमाज और इबादत करते हैं। इस्लाम धर्म में इसको चार मुकद्दस रातों में से एक माना जाता है, जिसमें पहली आशुरा की रात, दूसरी शबे मेराज, तीसरी शबे बरात और चौथी शबे कद्र होती है। नमाज, तिलावत कुरान यानी कि कुरान पढ़ना, कब्रिस्तान की जियारत और हैसियत के मुताबिक खैरात करना। इस त्यौहार पर तरह तरह के स्वादिष्ट मिष्ठानों पर दिलाई जाने वाली फातिहा के साथ मनाया जाता है और इबादत के बाद इसे गरीबों में भी बांटा जाता है। अल्लाह इस रात सभी की इबादतों को स्वीकार करते हैं और उन्हें उनके गुनाहों की माफ़ी देते हैं। लेकिन इस रात केवल दो लोगों के गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है, एक उनकी जो लोगों से दुश्मनी रखते हैं और दूसरी उनकी जिन्होंने किसी का जीवन छीन लिया हो। इस रात तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है। यह रात तौबा इस्तिगफार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कद्र करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें और तौबा पर कायम रहने की नियत भी रखें। एसएमएल सुजु ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेपाल नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ वायनेट, वायनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टीबैक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरु। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ऑयलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ऑयल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। बाबा!